Hello students, in this video we'll start discussing the motion of gas molecules. Okay, now हम लोगों ने last video में ये देखा था कि ये जो gas molecules होते हैं इनके बीच में कोई भी force नहीं होता. There is no force of attraction or repulsion acting between them. Now if there is no force of attraction or repulsion, तो इस केस में इनका जो motion होता है वो बहुत ही random सा होता है. ये कोई भी direction में move करते रहता है. Now when they are moving in different directions, obviously they will also collide with each other. तो इनके बीच में collisions होंगे. Now ये जो collisions होते हैं, these collisions are elastic. Now आपको ये पता है कि elastic collisions के दौरान क्या होता है, speeds बस जो होती है वो interchange हो जाती है. So let's say if this is moving with v1, this is moving with v2. एंड अगर जो हेड ऑन कोलिजन हो रहा है तो इनकी वेलोसिटीज जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगी. सो विच मीन्स किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होगा कि मान लो इफ दिस इज मूविंग विथ दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग विथ v1, दिस इज मूविंग विथ v1, दिस इज मूविंग विथ v2, दिस इज मूविंग विथ v2, दिस इज मूविंग विथ v2. सो 3 मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विथ v2, 2 मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विथ v1. तो ये दोनों अगर जो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के बाद क्या होगा, दिस विल मूव विथ v2, दिस विल मूव विथ v1. अच्छा, बिफोर आई डू दैट लेट मी राइट इट. 2 मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विथ v1, 3 मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विथ v2. अब मान लो हमें पता है इनके बीच के कोलिजन इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी. मान लो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी एंड इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 हो जाएगी. एंड ये मान लो कोलाइड नहीं कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी v2 ही रहेगी. सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज इसकी और इसकी वेलोसिटी v1 हो गई. सो नाउ यू हैव 2 मॉलिक्यूल्स विच आर मूविंग विथ स्पीड v1. यू हैव 1, 2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स विच आर मूविंग विथ स्पीड v2. तो पहले जैसा स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन था, कोलिजन के बाद भी स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही रह रहा है, करेक्ट. सो यू हैव 40% मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ v1, 60% मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ v2, अगेन 40% विथ v1, 60% विथ v2. ओके, ये आप 2/5 करोगे तो 40% आएगा, 3/5 करोगे तो 60% आएगा. सो आई कैन से दिस दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स इज नॉट अफेक्टेड बाय कोलिजन. ये कोलिजन से फर्क नहीं पड़ता, बाय कोलिजन. अच्छा, द सेकेंड थिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर इज बिकॉज इन सारे मॉलिक्यूल्स का मोशन बहुत ही रैंडम है. ओके, हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड सेम होती है ऐसा नहीं होता. मैंने ऑलरेडी यहां पे बताया हुआ है कि आउट ऑफ 5 2 मॉलिक्यूल्स हैव सम स्पीड, 3 मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्पीड. सो आई कैन से दिस ऑल मॉलिक्यूल्स have random motion and they move with different speeds okay. So कुछ molecules ऐसे होंगे जिनकी speed बहुत ही कम होती है, कुछ molecules ऐसे होते हैं जिनकी speed extremely ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है. अच्छा, बट मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होता है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक एवरेज स्पीड के आसपास ही होती है. सो ये अब दिखाने के लिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ये ग्राफ इस तरह से होता है. ऑन एक्स एक्सिस व्हाट वी हैव आर स्पीड्स डिफरेंट. सो स्पीड हम लोग यहां पे एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं एंड वाई एक्सिस पे वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. एफ वी इज स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ब्यूशन फंक्शन. नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू ये क्या होता है. सो मान लो ये जो आपका ग्राफ है ना, ये ऐसा कुछ होता है. ओके, सो
यहां पे द स्पीड इज जीरो, सो इट मीन जीरो मॉलिक्यूल्स हैव जीरो स्पीड. ओके, अब पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है. मान लो अगर जो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड इतनी है, लेट से v1, तो आप क्या करोगे, यहां पे एक बहुत ही छोटा सा इंटरवल दोगे. अच्छा, सो सच दैट द स्पीड इज नॉट चेंजिंग मच. सो ये रफली यहां पे ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, दिस रिप्रेजेंट्स रफली द स्पीड v1, मतलब ये v1 रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स v1 प्लस dv. तो ये जो आपका थिकनेस है इसका, इसका थिकनेस है dv. सो इसके बीच में इफ यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पार्ट, ये पार्ट का एरिया कितना होगा, द एरिया ऑफ दिस पार्ट वुड बी इक्वल टू द लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ इज fv इंटू ब्रेथ इज डीवी. सो दिस गिव्स अस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द स्पीड्स v1 एंड v1 प्लस dv. सो बेसिकली कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड अराउंड v1 है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला fv, विच इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इंटू डीवी. ओके, सो अगर जो आपको fv चाहिए तो इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द स्पीड्स v1 एंड v1 प्लस dv डिवाइडेड बाय dv. तो fv विल हैव द यूनिट्स ऑफ, fv के यूनिट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के तो कोई यूनिट्स नहीं होते, इट्स अ नंबर, डिवाइडेड बाय dv, दैट इज मीटर्स पर सेकेंड. ओके, नाउ मान लो आप इसका पूरा इंटीग्रेशन करते, इफ यू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस fv इंटू dv. ओके, जहां पे v कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, स्पीड जो है वो जीरो से इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है, तो इफ आई डू दिस मुझे ये सारा एरिया मिल जाएगा. नाउ सारा एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे ये एरिया ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द स्पीड्स v1 एंड v1 प्लस dv. तो व्हेन आई ऐड ऑल दीज एरियाज, व्हाट आई गेट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? सो व्हाट आई गेट इज n, वेर n रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर. ना हमें ये भी पता है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पीड्स इन्वॉल्व. सी एवरी मॉलिक्यूल हैज अ डिफरेंट स्पीड, करेक्ट? सो एक एक स्पीड्स अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं. सो सबसे पहले आती है एवरेज वेलोसिटी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीड, आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी. सो दिस इज v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ डिवाइडेड बाय n. नाउ यू कैन सी दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग इन ऑल द डायरेक्शंस. तो ये सारे वेलोसिटी वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, आपकी एवरेज वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो. उसके बाद आती है vrms. नाउ vrms कैसे कैलकुलेट किया जाता है, vrms इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर सो ऑन एंड सो फोर्थ डिवाइडेड बाय n. आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड. सो पहले आप स्पीड का स्क्वायर करते हो, फिर उसका मीन मतलब एवरेज फाइंड आउट करते हो, एंड देन यू डू द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. अच्छा, उसके बाद देर इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज सिंपली इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन एंड सो फोर्थ डिवाइडेड बाय n, एंड देन यू हैव मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, v मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, दैट इज योर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इस स्पीड के अराउंड, आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो मैक्सिमम है. सो मोस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव दिस स्पीड, सो दिस बिकम्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, vmps मोस्ट प्रोबेबल स्पीड.
अच्छा, उसके बाद आता है एवरेज स्पीड। आप अगर जो एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे तो एवरेज स्पीड यहाँ पे कहीं पे तो होगा, एंड उसके बाद आएगा वीआरएमएस। सो वी आर एम एस इज मोर देन वी एवरेज, एंड वी एवरेज इज मोर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसके फॉर्मूलेज भी हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। वी आर एम एस इज इक्वल टू 3 RT बाय मॉलिक्यूलर वेट, वी एवरेज इज इक्वल टू 8 पाई RT बाय एम, एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू 2 RT बाय एम, करेक्ट। अच्छा, एक्चुअल में अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है दैट इज एफ वी, ये जो एफ वी होता है इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, बट अगर जो मान लो कि आपको एफ वी सिंपल सा एक फंक्शन दिया हुआ है, नॉर्मली कभी पूछेंगे तो ये जेई एडवांस्ड में पूछेंगे, एंड आपको पूछा जाए कि वी आर एम एस फाइंड आउट करो, तो आप ये वी आर एम एस कैसे फाइंड आउट करोगे? वी आर एम एस फाइंड आउट करने के लिए आपको ये करना होगा, इंटीग्रल ऑफ वी स्क्वेयर इंटू एफ वी इंटू डी वी, वेर वी वेरीज फ्रॉम 0 to ∞, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ एफ वी इंटू डी वी 0 to ∞, ओके, एंड इसका स्क्वेयर रूट। सो रूट मीन स्क्वेयर स्पीड है, तो आप वी स्क्वेयर को इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, ओके। सो यू मल्टीप्लाई वी स्क्वायर बाय दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ एफ वी इंटू डी वी फ्रॉम 0 to ∞। अब हमें ये पता है एफ वी इंटू डी वी इज एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो आपका डिनोमिनेटर जो होगा वो एन हो जाएगा, न्यूमरेटर आपको सॉल्व करना होगा, ओके। ये बहुत रेयरली यूज किया जाएगा, बट यू विल हैव टू यूज दिस इफ दिस फंक्शन इज गिवन टू यू, फाइन। सिमिलरली आप एवरेज के लिए भी आप ऐसा ही कैलकुलेशन करोगे। एवरेज के लिए आप ये इसको देखोगे इंटीग्रल ऑफ 0 to ∞, अब स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, सो वी एफ वी इंटू डी वी डिवाइडेड बाय, मैं सीधा एन लिख देता हूँ क्योंकि पता है हमें इसकी वैल्यू तो एन होती है। सो दिस इज योर एवरेज एंड दिस इज योर वी आर एम एस। ठीक है, फाइन। ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी नहीं, यहां पे हम लोगों ने ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हम लोग कह रहे थे दैट इज एफ वी। नाउ मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसा कुछ होता है, आई टोल्ड यू इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड, ओके, इसको समझने की भी कोशिश मत करो। बट इसके बेसिस पे जब प्लॉट्स अलग अलग गैसेस के लिए ये प्लॉट्स बनाए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो इट वॉज फाउंड दैट नाइट्रोजन के लिए प्लॉट ऐसा होता है, नियॉन के लिए प्लॉट थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, हाइड्रोजन के लिए और फ्लैट हो जाता है, एंड नाइट्रोजन के लिए अगर जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये थी, दिस वॉज फॉर नाइट्रोजन, तो नियॉन के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हैज इंक्रीज्ड, एंड हाइड्रोजन के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हैज इंक्रीज्ड मोर। सो द पैटर्न दैट वी सी ओवर हियर इज वी नो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 14 होता है, नियॉन का नाइट्रोजन का 28, सॉरी एटॉमिक वेट इज 14, नियॉन का जो होता है वो 20 के आसपास होता है, एंड हाइड्रोजन का 2 होता है। सो व्हाट वी सी ओवर हियर इज हाइड्रोजन हैज गॉट अ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाइल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन, एंड दिस इज व्हाट वी हैड गॉट ओवर हियर। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। नाउ सिमिलरली ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो अगर जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है कि ये जो कर्व है, ये जो पीक है वो बस आगे शिफ्ट हो जाता है, ओके। सो इफ दिस वॉज योर इनिशियल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दिस विल बी योर न्यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सी टोटल एरिया अंडर द ग्राफ विल नॉट चेंज, क्योंकि टोटल एरिया अंडर द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप जब गैस को हीट करते हो तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हो रहा ना, सो टोटल एरिया विल रिमेन कॉन्स्टेंट। इट्स जस्ट दैट
जो हमारा पीक है वो पीक फ्लैट हो जाता है एंड थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है। आप और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये ग्राफ जो है वो और राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, वन फाइनल पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज दिस। सी, ये ग्राफ का ना लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट फिक्स्ड है, दैट इज इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, बट राइट हैंड साइड का लिमिट जो है इसका वो फिक्स नहीं है ना, ये ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सो एट लोअर टेम्परेचर्स, सो लेट्स से अगर जो आपको देखना है कि फ्रॉम 0 केल्विन टू टी केल्विन्स कितने मॉलिक्यूल्स विल हैव दिस स्पीड, तो ये एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा। सो दीज मैनी मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड बिटवीन, सॉरी सॉरी, ये वेलोसिटी है, दिस इज एफ वी, आई मेड अ मिस्टेक, दिस इज 0 मीटर्स पर सेकेंड एंड लेट्स से दिस इज V1 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, सो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड बिटवीन 0 एंड V1, तो वॉट यू विल डू इज यू जस्ट फाइंड आउट दिस एरिया, ये जो एरिया होता है इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन 0 एंड V1 स्पीड्स, मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड्स बिटवीन 0 एंड V1। ओके, नाउ सिमिलरली अगर जो आपको राइट हैंड साइड पे मान लो कि यहां पे हमने ये देखा कि V1 से कम वाले मॉलिक्यूल्स कितना है, अब मान लो यहां पे मैं V2 देता हूं एंड मुझे वो देखना है कि कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा है, तो आई फाइंड आउट दिस एरिया राइट, एंड यू कैन सी दैट बिकॉज इट गोज टू इन्फिनिटी दिस एरिया वुड बी मच बिगर एज कंपेयर टू दिस एरिया। सो नॉर्मली वॉट वी से इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हायर स्पीड्स इज ऑलवेज मोर देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ लोअर स्पीड्स, ठीक है। अच्छा, नाउ यू कैन ऑल्सो सी ओवर हियर, मान लो आपको ये देखना था कि कितने मॉलिक्यूल्स, लेट्स से दिस इज V3, कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड V3 से ज्यादा है, तो इस ग्राफ में अगर जो आप देखोगे तो एट 273 केल्विन्स, एट 273 केल्विन्स ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है इनकी स्पीड V3 से ज्यादा होगी, बट वही अगर जो आप 500 केल्विन्स पे देखोगे तो 500 केल्विन्स पे क्या होगा, 500 केल्विन्स पे देर विल बी एट 500 केल्विन्स V3 से ज्यादा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना जिनकी स्पीड ज्यादा है, सो V3 से ज्यादा स्पीड रखने वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। सो आई कैन सी दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसको हम लोग टेल कहते हैं, दिस इज द टेल ऑफ द ग्राफ, आई कैन से एज टेम्परेचर इंक्रीजेस टेल बिकम्स फैटर। वही आप इस साइड पे देखोगे तो इफ आई से दिस इज योर स्पीड V1, सो V1 से कम कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एट 273 केल्विन्स इतने मॉलिक्यूल्स थे विच आर स्पीड लेस देन V1, बट जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया नाउ वी हैव ओनली दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दीज मैनी मॉलिक्यूल्स विच हैव अ स्पीड लेस देन V1। सो ओवरऑल व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर स्पीड इंक्रीजेस, व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर स्पीड डिक्रीजेस, दिस इज व्हाट वी कैन कंक्लूड। सो बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है वो एक तो उनके साइजेस पे डिपेंड करती है या मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है, एंड सेकेंड जो है वो उनके स्पीड्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसके बाद विल प्रोसीड फर्दर नाउ, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, हमें पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करता है, बट लेट्स ट्राई टू सी कि वाई डज गैस इम्पार्ट प्रेशर एंड हाउ मच प्रेशर डज इट एग्जर्ट, ठीक है। सो विल फाइंड आउट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, बाय गैस मॉलिक्यूल्स। Now, ये फाइंड आउट करने के लिए व्हाट विल डू इज आई अज्यूम अ गैस मॉलिक्यूल, ओके, एक मॉलिक्यूल में अज्यूम करता हूं,
अपू मुझे ये पता है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज रैंडमली मूविंग इन एनी डायरेक्शन. नाउ बिकॉज इट इज मूविंग इन एनी डायरेक्शन, इट विल हैव डिफरेंट ऑल थ्री स्पीड कंपोनेंट्स, राइट. अगर जो मॉलिक्यूल मान लो रैंडमली किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इट विल हैव वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड. ये ऐसे तीन कंपोनेंट्स इसके होंगे, इसके स्पीड्स के. ओके, अभी के लिए वी वाई और वी जेड इग्नोर कर दो. नाउ ड्यू टू दिस कंपोनेंट वी एक्स, ये मॉलिक्यूल जो है, इफ आई कॉल दिस स्पेस एज ए बी सी डी, तो ये मॉलिक्यूल इस स्पेस ए बी सी डी से जाके कोलाइड करेगा. ओके, एंड हमें पता है सारे कोलिजन इलास्टिक होते हैं, तो अगर जो वी एक्स वेलोसिटी से ये कोलाइड करेगा, तो वी एक्स वेलोसिटी से ये वापस भी आएगा. सो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू, मान लो ये डायरेक्शन मैं पॉजिटिव देता हूँ, तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एक्स ये डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स ये डायरेक्शन में. सो इफ दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव. चेंज इन मोमेंटम वुड बी एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, सो दिस वुड बिकम इक्वल टू टू एम वी एक्स. ओके, नाउ लेट्स से दिस इज अ क्यूब एंड दिस लेंथ इज एल. ना जैसे ये इससे टकराएगा, वापस नेक्स्ट कोलिजन कब होगा, टकराने के बाद ये इस दीवार से, ये इस स्पेस से हिट करेगा. लेट मी कॉल दिस एज पी क्यू आर एस, एंड इस पे हिट करने के बाद वापस वो ये साइड पे आएगा. सो आफ्टर हाउ मच टाइम सेकेंड कोलिजन विल टेक प्लेस, सो नेक्स्ट कोलिजन टेक्स प्लेस प्लेस आफ्टर टी इज इक्वल टू टू एल बाय वी एक्स, करेक्ट. मॉलिक्यूल टू एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एंड टाइम टेकन वुड बी टू एल बाय वी एक्स. सो आई कैन से फोर्स, सो इतने फ्रीक्वेंटली, सो हर इस टाइम इंटरवल के बाद टू एल बाय वी एक्स के साथ वो कोलाइड करता जाएगा, हिट करता जाएगा इस वॉल को. सो इस पे जो फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. सो इट विल बिकम इक्वल टू टू एम वी एक्स डिवाइडेड बाय 2L by Vx, so this is equal to MVx square. Okay. Now, what is the pressure exerted on face ABCD? So pressure exerted will be equal to force by area. So this will be equal to MVx square, area is L square. Right? Yeah, cube mein assume kar raha hu. So this face ABCD would be a square, so this will be equal to L square. Fine. Now, this is basically the pressure on this face. Okay. Now, इसी तरह से pressure बाकी सारे faces पे भी आता जाएगा, correct? So, pressure in x direction should be equal to pressure in y direction, should be equal to pressure in z direction. This should be equal to, let me call it as, this will be equal to, एक काम करते हैं हम लोग, इसको अलग से दिखता है. सो पी एक्स विल बी इक्वल टू एम वी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, पी वाई विल बी इक्वल टू एम वी वाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एंड पी जेड इज इक्वल टू एम वी जेड स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. ओके, नाउ वी नो दैट बिकॉज मॉलिक्यूल का मोशन किसी एक डायरेक्शन में फिक्स नहीं है, वो रैंडमली सारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके, अच्छा यहां पे हम लोग मान रहे हैं ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल, ग्रेविटी का रोल मॉलिक्यूलर मोशन में नेग्लिजिबल है. क्योंकि नेग्लिजिबल नहीं होता तो क्या होता कि ये मॉलिक्यूल की नीचे आने की टेंडेंसी ज्यादा होती, तो इस फेस पे जो प्रेशर होता दैट वुड हैव बीन मोर, बट बिकॉज ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल आई कैन से दैट प्रेशर ऑन ऑल द फेसेस शुड बी इक्वल. लेट्स से दिस इज इक्वल टू योर एवरेज प्रेशर पी, ठीक है. नाउ ये पी मैं कैसे निकाल रहा हूं, पी कैन आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड बाय थ्री.
क्योंकि पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ऑल आर इक्वल टू पी, दिस इज बेसिकली द एवरेज प्रेशर. सो दिस एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड बाई थ्री. सो दिस विल बिकम इक्वल टू एम बाय थ्री एल स्क्वेयर वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर. यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर दिस, एम इज बेसिकली द मास ऑफ द मॉलिक्यूल. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. ओके, ना ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना यहाँ पे, ना ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है. तो दिस इज प्रेशर ड्यू टू वन मॉलिक्यूल पी वन, प्रेशर ड्यू टू अनदर मॉलिक्यूल पी टू वुड बी इक्वल टू एम बाय थ्री एल स्क्वायर. सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है तो मैं मान रहा हूँ सबका मास सेम होगा. अच्छा, बट वेलोसिटीज विल नॉट बी सेम ना. लेट्स से दिस इज वी एक्स वन वाई वन जेड वन, तब वेलोसिटी फॉर द सेकेंड मॉलिक्यूल वुड बी रिटन एज वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी वाई टू स्क्वायर प्लस वी जेड टू स्क्वायर. नाउ योर टोटल प्रेशर, सो इस तरह से पी थ्री का एक्सप्रेशन, आप पी फोर का एक्सप्रेशन, सारे मॉलिक्यूल्स के वजह से आप ये एक्सप्रेशन सीखते जाओगे. सो पी टोटल इज सिंपली इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल पी एन. नाउ आप इन सारे टर्म्स को ऐड करते जाओगे तो व्हाट यू विल गेट इज वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वी एक्स फोर स्क्वायर. इस तरह से टर्म्स मिलेंगे, वी वाई वन स्क्वायर प्लस वी वाई टू स्क्वायर प्लस, इस तरह से आपको टर्म्स मिलते जाएंगे. ओके फाइन. नाउ हर एक इसमें एम बाय थ्री एल स्क्वायर कॉमन होगा, सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज, सो इफ यू सी ओवर हियर वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी वाई वन स्क्वायर प्लस वी जेड वन स्क्वायर, ये क्या होगा ना. वी एक्स वी वाई एंड वी जेड ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है, तो सिंस दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटीज, वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी वाई वन स्क्वायर प्लस वी जेड वन स्क्वायर इज नथिंग बट वी वन स्क्वायर, राइट. एंड वैसे ही दिस इज नथिंग बट वी टू स्क्वायर. सो इफ आई एड ऑल दीज थिंग्स वॉट आई गेट इज एम बाय थ्री एल स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसे एन टर्म्स है तो वी एन आ जाएगा. सो लेट मी मल्टीप्लाई बाय एन एंड लेट मी डिवाइड बाय एन. सो माई पी टोटल इज इक्वल टू वन बाय थ्री ओके जस्ट अ मिनट सॉरी आई हैव मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, छोटी सी मिस्टेक है बट वो इम्पोर्टेंट है. ये टू टू कट हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एल आ जाएगा ना, ये जो एल है दैट विल कम ओवर हियर. तो एल स्क्वायर के जगह पे दिस विल बी एल क्यूब, दिस विल बी एल क्यूब, ये यहाँ पे एल क्यूब, ये एल क्यूब, हर जगह पे जहाँ पे एल स्क्वायर है वहाँ पे एल क्यूब आ जाएगा. ओके ये एल क्यूब. सो व्हाट आई विल गेट इज वन बाय थ्री. हम लोग ये कह रहे थे कि एल मल्टीप्लाई बाय एन एंड डिवाइड बाय एन, वेर एन इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो वन बाय थ्री इंटू एम अपॉन एन बाय एल क्यूब, दैट इज वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर सो ऑन एंड सो फोर्थ डिवाइडेड बाय एन. ओके नाउ एम इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये जो न्यूमरेटर है दिस विल बी टोटल मास ऑफ द गैस. एंड एल क्यूब, एल क्यूब इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर विच इज वॉल्यूम ऑफ द गैस. सो मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, दिस शुड बिकम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस. नाउ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, ये हमने क्या किया है, स्क्वायर किया हुआ है स्पीड का एंड उसको हमने एन से डिवाइड किया हुआ है. सो दिस बिकम्स मीन स्क्वायर स्पीड. अब ये मीन स्क्वायर स्पीड कितनी होती है, हम लोगों ने वी आर एम एस जब किया था तब ये देखा था. यू कैन सी दैट वी आर एम एस इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर बाय एन, उसका स्क्वायर रूट. हमें तो बस यही चाहिए वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर. तो आप अगर जो दोनों साइड पे स्क्वायर करते हो तो हमें हमारा ये रिक्वायर्ड टर्म मिल जाएगा. सो दिस वुड बी नथिंग बट इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर. सो आई कैन सिंपली राइट दिस नाउ,
प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज इक्वल टू 1/3 इंटू डेंसिटी ऑफ द गैस इंटू Vrms² नाउ इस चीज को हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, बट दिस वुड बी यूज्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी स्टार्ट ऑफ विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस एंड इट्स इंटरनल एनर्जी, तो ये वहां पे यूज होगा. ठीक है, थैंक यू.